केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के राजनीतिक दौरे ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर खासा असर डाला है। आयोजन स्थल रविशंकर स्टेडियम में खचाखच भरे डोम शेड में लोगों ने अमित शाह के भाषण को बड़े ही उत्साह से सुना। कार्यकर्ता हजारों की संख्या में आम जनता ने भी कई बार हाथ उठाकर अमित शाह को अपना समर्थन दिया। जोसे लबरेज कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन का राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में खासा असर पड़ेगा। अमित भाई शाह जो कि हम हमेशा सुना करते थे, देखा करते थे, और जब सामने देखा तो उनको जो जोश से बोलते हुए सुना हमने और जिस तरीके से उनके उनका जो कथन था, उससे मुझे लगता है कि ये जो हमारी महिलाएं हैं, यूथ हैं, इवन वृद्ध जो है ओल्ड लोग भी काफ़ी लोग आए थे सुनने के लिए, बच्चे आए थे, सारे लोग जो हैं बहुत उत्साहित हैं और उन्होंने इतनी तपती हुई गर्मी में भी उन्होंने और दम मार दिया है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें पूरा यकीन है क्या कमल आएगा और दुर्ग भिलाई क्या छत्तीसगढ़ में इस बार कमल ही आएगा। आज माननीय अमित शाह जी की सभा से दुर्ग में छत्तीसगढ़ में बदलाव की बुनियाद यहां पर रखी गई है। जिस प्रकार से कोने कोने से दुर्ग जिले से, बेमेतरा से, बालोद से और छत्तीसगढ़ से कोने कोने से जिस प्रकार से लोगों का हुजूम आया है, कार्यकर्ताओं का हुजूम आया है, ये सब संकल्प लेकर गए हैं कि छत्तीसगढ़ में 2023 में भारतीय जनता